नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन वास्तु के कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें इन परेशानियों से, ग्रह कलेश से दूर रखते हैं और हमारे घर में सुख शांति बना के रखते हैं। आज आपको उन्हीं वास्तु उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने घर में होने वाले कलेश को कम कर सकते हैं। आमने सामने ना लगाए देवी देवता की तस्वीर। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार घर में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर को आमने सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे ग्रह कलेश बढ़ जाता है। इसके साथ साथ घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए एक से ज्यादा देवी देवता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में रामायण, महाभारत, युद्ध और उल्लू की तस्वीरें बिल्कुल भी ना लगाएं। ऐसी तस्वीरें घर में किसी भी विवाद को जन्म देती हैं, जिससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। घर में जंगली जानवर जैसे शेर, चीता या फिर किसी हिंसक पशु की तस्वीर भी ना लगाएं। घर में ऐसी तस्वीरें कलेश को बढ़ा देती हैं। घर में बिखरे जूते, चप्पल और कपड़े। अगर आप भी अपने घर में जूते, चप्पल और कपड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं तो समझ जाए, क्योंकि इसको वास्तु में अशुभ माना गया है। जूते और कपड़ों को उनकी अलमारी में हमेशा अच्छे तरीके से रखें। बेतरतीब तरीके से रखने से न सिर्फ धन की बर्बादी होती है, बल्कि आपके करियर में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। खराब बिजली के उपकरण। घर के हर कोने में रोशनी की व्यवस्था न होना या फिर फ्यूज बल्ब का लगा रहना भी वास्तु के हिसाब से काफी अशुभ माना गया है। बिजली के खराब उपकरणों को घर में ना रखें, इन्हें ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। इससे अनावश्यक तनाव बढ़ता है और तनाव से घर में कलेश बढ़ता है। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वास्तु के वो ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें आपको मानना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके हाथ का पैसा जा सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के निर्माण और उसके रख रखाव को लेकर बहुत जरूरी बातें बताई गई हैं, जिन पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो इंसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तु के नियमों की अनदेखी करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए आप जब भी घर बनवाएं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। घर को हमेशा साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। घर के ईशान कोण में मंदिर का निर्माण करना बिल्कुल शुभ है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण, उत्तर दिशा और व्यायव्य दिशा को हमेशा साफ और खाली रखना चाहिए। इस दिशा के दूषित होने पर या इस दिशा में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में धन आने से रोकती है। आपके घर में जिस जगह पर पैसे रखने के लिए तिजोरी या अलमारी बनी हुई है, ध्यान रखें कि उस जगह पर मकड़ी के जाले ना हो। वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है, इसलिए धन रखने की अलमारी या फिर तिजोरी दीवार से इस तरह से लगाकर रखें कि उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले। अगर धन रखने की अलमारी का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है तो इससे धन की बर्बादी होगी। वास्तु के अनुसार घर में पानी का उचित प्रबंध होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के नल से पानी हमेशा टपकता है तो इससे पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही ये वास्तु के हिसाब से भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, इसलिए घर में अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी ना करें। अगर नल टूटा है तो उसे सही कराएं। आप जब भी खाना खाने बैठें तो खाने की थाली को मेज या फिर किसी पटरी पर सम्मान के साथ रखें, क्योंकि अन्न देवता होते हैं और खाना खाने के बाद थाली में हाथ कभी भी ना धोएं। बहुत से घर में ऐसा देखा गया है कि जब वो खाना खाते हैं तो हाथ उसी थाली में धोते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। रात के समय कभी भी झूठे बर्तन किचन में ना छोड़े। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा पाते,
तो वास्तु के वो कौन से ऐसे टिप हैं जिन्हें आप अपना कर धनवान बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको मेहनत भी जरूर करनी है। दोस्तों, सांसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए हर किसी को पैसे की जरूरत होती है, और जब आपकी पैसे की स्थिति सही नहीं होती तो आपको कर्ज लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसे उतार पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी ऐसे ही कर्ज से परेशान हैं, तो वास्तु के कुछ आसान से उपायों को करके आप इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी का पौधा वास्तु दोष को कम करता है। घर के मेन गेट पर ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखना चाहिए। उस पौधे को हर रोज जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में तेजी से धन का आगमन होता है। घर के वास्तु दोष को करें ठीक। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा या फिर आप बार बार कर्ज ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर पर या आपके काम करने की जगह पर पानी के स्थान की दिशा में कोई दोष हो। ऐसी स्थिति में घर और जहां पर आप काम करते हैं वहां पर पानी की दिशा में बदलाव करके देखें, या फिर अपने घर पे या जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आपका बिजनेस है, वहां पर उत्तर दिशा में पानी का एक बर्तन भर के रख दें। जल के लिए वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा को सही माना गया है। लाफिंग बुद्धा को रखें। घर और व्यापार के स्थान पर लाफिंग बुद्धा को रखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, तो पैसों की गठरी को पकड़े लाफिंग बुद्धा को घर के उत्तर पश्चिम कोण में रखें। इससे पैसों की परेशानी दूर होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। घर के दरवाजे पर लगाएं विंड चाइम। वास्तु में विंड चाइम से निकलने वाली आवाज को बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके कानों को काफी सुकून देती है। घर के दरवाजों पर या फिर खिड़कियों पर 9 पाइप वाली विंड चाइम लगानी चाहिए। इससे निकलने वाली आवाज से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंगलवार के दिन कर्ज ना ले। अगर आप लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी आपको कर्जा चुकाना हो तो उसके लिए मंगलवार का दिन बेहद सही है। एक बात का ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आप कर्ज चुका तो सकते हैं, लेकिन आप कर्ज ले नहीं सकते। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।